हेलो स्टूडेंट्स एंड दिस इज एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीएसई 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पे हमारे पास जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो रियल नंबर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स और रियल नंबर्स को हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है, ठीक है ना, लिख लिख के नहीं देखनी है, ठीक है ना। सिंपल, इट्स सो सिंपल, सिंपल एक माइंड मैप आपका बना के दे दे रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से आपको फिर क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं दिख जाएगा। रियल नंबर की बात करते हैं बच्चे। रियल नंबर होता क्या? रियल नंबर इज वॉट? बेसिकली द नंबर्स दैट आर रियल, जो सचमुच में है, सिंपल, ठीक है ना। रियल नंबर की का एहसास आपको आगे फर्दर क्लासेस में भी होगा, है ना। जब हम क्लास 10th में फिर पढ़ेंगे, फिर क्लास 11th में फिर पढ़ेंगे, क्लास 12th में फिर पढ़ेंगे, तो रियल नंबर आपको छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बकायदा पूरा एक पूरा का पूरा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ना, डेट डील्स विद द रियल नंबर्स। ओके जी, है ना, कैलकुलस है हमारे पास। तो अब हम करते हैं बहुत बेसिक से स्टार्ट। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं, रियल नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं। आपने आप खुद सोचो, जो भी नंबर आपने आज तक पढ़ा है दैट इज रियल, ठीक है ना। अब नंबर आपने दो ही तरीके पढ़े, एक तो पॉइंट वाले और एक विदाउट पॉइंट वाले। तो जो पॉइंट वाले हैं उनको हम बोलेंगे विद डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना, और जो विदाउट पॉइंट वाले हैं वो विदाउट डेसिमल वाले होंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि जो विदाउट डेसिमल वाले, विदाउट पॉइंट वाले हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। आई बात समझ में? जो बिना पॉइंट वाले जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो अभी विद पॉइंट वाले, जो विद डेसिमल वाले हैं, उन पे हम आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम इसी का ही ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स में भी सोचो कि ये वन से इधर इधर, यानी कि 1, 2, 3, 4, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये आपका जीरो इंटीजर हो गया, इसको जीरो इंटीजर ही बोलते हैं, ठीक है बच्चे। एंड ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमने 1, 2, 3, 4 करके तीन डॉट लगा दिए, है ना। तीन डॉट बहुत है ना मैथ्स में। तीन डॉट का मतलब सोन, है ना। ऐसा नहीं व्हाट्सएप की तरह टक 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 करते रहे, है ना, वो काम नहीं करना है। ओके जी, तो नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, इसके अलग अलग नाम है इसी पॉजिटिव इंटीजर के। नेचुरल नंबर, नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि काउंटिंग नंबर्स है, यही रीजन है। क्योंकि नेचर में क्या करते हैं हम, मैथ्स में नंबर्स का यूज किस में करते हैं? काउंटिंग में, है ना, कि भैया क्या नाम जो है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, नहीं 5, ठीक है। जीरो को काउंट थोड़ी करते हैं, है ना। तो इसलिए वन से स्टार्ट होती है काउंटिंग, है ना, 1, 2, 3। तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये, और काउंटिंग नंबर्स अपने कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, दोनों तीनों ही की बात है, ठीक है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इंटीजर, है ना, ये दोनों मिला के यहां से यहां तक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो, है ना, वी कैन से दैट इज द होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि काउंटिंग नंबर्स में बेसिकली एक कमी ये थी कि व्हेन देयर इज नथिंग, है ना, हाउ वी विल रिप्रेजेंट दैट काउंटिंग, जीरो, देयर वाज नथिंग, है ना, सो जीरो। सो देन वी इंट्रोड्यूस होल नंबर, तो होल नंबर को हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया नेचुरल नंबर के, ठीक है ना। तो ये होल नंबर हो गया। तो होल नंबर में क्या होता है भैया? होल नंबर में आपके 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये हो गया अपना पूरा नंबर हमने पढ़ लिया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास और भी नंबर हैं पढ़ने को, ठीक है ना। प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये सब है। इसको भी हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, है ना। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो इसलिए अभी के अभी रिवाइज कर लेंगे, हालांकि पहले पढ़ रखा आपने। चलो जी, अब
ये तो क्लियर हो गया, ये तो आपके दिमाग में सेट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पे, ठीक है ना। इधर आ जाओ जी, पॉइंट वाले पे। पॉइंट वाले पे क्या होगा बच्चे, पॉइंट वाले में आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो तीन तरीके के पढ़े हैं। पॉइंट में आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं आज तक तीन तरीके पढ़े हैं। आपने गौर नहीं किया, या तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद आप नंबर खत्म हो जाएंगे लिखते लिखते, है ना। जैसे 1.2 इसको बोलते हैं टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, ठीक है ना, टर्मिनेट, ठीक है ना। तो टर्मिनेट हो गए 1.2 डैट सेट, ऐसा भी हो सकता था 1.2 डैट सेट, बस इतना खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा पॉइंट में और भी तरह के नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते बट एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट करता रहता है, 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये रिपीट करता रहता है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। और रिपीटिंग के लिए एक इंग्लिश का दूसरा वर्ड भी होता है रेकरिंग, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर पॉइंट वाले में तीसरे तरीका आता है कि ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, चलते रहते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यही है बच्चों, ठीक है ना, यही है अपना रियल नंबर, हमने पूरे तरीके से स्टडी कर लिया, ठीक है। अब बच्चों एक बात सुनो, ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग वाले, ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना, रैशनल नंबर्स हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला कौन सा है, इरैशनल है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब रैशनल नंबर में एक ऑब्जर्वेशन देखी गई, मतलब ये मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व करा कि जितने भी अपने रैशनल नंबर्स हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। चक्रो क्या कह रहा हूं, बोथ इंटीजर्स, है ना, मतलब समझ में आ गया इंटीजर का मतलब, पी और क्यू इंटीजर हो सकते हैं। अब इंटीजर क्या है, बिना पॉइंट वाले नंबर, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, बस कह रहा है कि नीचे जो क्यू है ना वो भैया जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कह रहा है रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ना पॉइंट वाले, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे भी, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इरेशनल नंबर की एक सीधी सी पहचान जो है वो ये है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो नंबर जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट 2 इरेशनल हो गया, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या नाम जो है इरेशनल हो गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है तो वो नहीं, रूट 5, तो ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं, इस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं, ठीक है। हालांकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन रूट 2 रूट 3 रूट 5 का भी ऐसे ही आएगा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इस तरह की पहचान है, पाई आपका इरेशनल है, ठीक है। तो हम और बातें करेंगे, ठीक है ना, धीरे 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 करके हम पूरा इसको अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट मी जस्ट टेक द बुक, क्लास नाइन्थ की हमने एनसीईआरटी बुक ली, क्वेश्चन करते हैं 1.1 से। ओके चलो जी, 1.1 में उन्होंने कहा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू। तो देखो, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, ये वाला नहीं है। तो इसका मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर एंड जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कह रहा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या हर इंटीजर रैशनल है, इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो एक बात सुनो बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। रैशनल की क्या परिभाषा है कि या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, बट अगर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नंबर ही नहीं है तो किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, होगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, यानी कि जो भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उन नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे। तो रैशनल की दो पहचान बता दी आपको, डेसिमल एक्सपेंशन में भी और पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो बच्चे
अब एक बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी इंटीजर हैं, ध्यान से देखो, सारे इंटीजर, इन सब के नीचे मैं वन लिख सकता हूं, चेक कर लो, कर सकता हूं। और वन क्या है, एक इंटीजर है। तो ये देखो, ये ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, पी अपॉन क्यू फॉर्म आ गई, और नीचे वाला जीरो नहीं है। तो इसका मतलब जितने इंटीजर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर भी हैं, है ना। यानी कि ये रैशनल नंबर की तरीके से हम शो कर सकते हैं, हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या कह सकते हैं हम, ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रैशनल नंबर्स। तो यहां पे नोट लिखेंगे हम, है ना, क्यों, क्योंकि हम जितने इंटीजर्स हैं, है ना, यहां पे नोट लिख दे रहा हूं मैं, -3/1, -2/1, 0/1, ठीक है ना, 1/1। तो इसी वजह से क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रैशनल नंबर, ठीक है, सारे इंटीजर्स। थोड़ा सा राइटिंग पे, थोड़ा मैं बोलता भी हूं तो समझने की कोशिश करो, है ना, जैसे वो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, दवाई का पर्चा समझ जाते हैं, है ना, डॉक्टर की राइटिंग कैसी भी हो, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो, है ना। हालांकि मैं कोशिश करूंगा सही लिखने की, बट फिर भी हो जाता है फ्लो में। तो ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रैशनल नंबर। जीरो जीरो रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हो आप उसको, वन रैशनल नंबर, यस, सारे इंटीजर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो है उनको अगर आप ध्यान से देखो, तो रियल नंबर को बहुत ध्यान से अगर आप देखो, एक टुकड़ा रैशनल नंबर बना, एक इरेशनल नंबर बना, और एक इंटीजर्स बना। इंटीजर्स के बाद ये सब हमने इंटीजर्स में से निकाले हैं। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है दैट इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल और प्लस इंटीजर्स, यही तो थे। और क्योंकि अब आप सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं उनको रैशनल नंबर की तरह प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब रैशनल और इंटीजर्स को दोनों को मिला दें तो फाइनली हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में होता है। दो ही फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं रियल नंबर्स में, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो जब उसने कहा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नहीं भाई, किसने कह दिया एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नहीं, क्यों भाई, रैशनल नंबर तो ये भी है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 2/3, ये इंटीजर बन जाएगा क्या? अरे इंटीजर को तो बना दिया था रैशनल, नीचे एक लेके बना दिया था ना, इंटीजर को तो रैशनल बना दिया था, बट रैशनल को इंटीजर कैसे बना, विदाउट पॉइंट वाला नंबर कैसे बना दोगे इसको, ना ना मुन्ना ना। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, है ना, यू कैन गिव एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर, ऑब्वियसली यार 0/1 लिख दो यार, हो गया, एक्सरसाइज की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना, दिमाग लगाया करो। उसके बाद कह रहा है इफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, जितने नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो होल नंबर में होते ही है ना, है ना, भले ही सारे होल नंबर नेचुरल नंबर ना हो, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आते हैं ना, तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। इफ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ना ना, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, ये नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। तो इसलिए सब कुछ बोर्ड पे है यार, सब कुछ आपके दिमाग में है, ये चीज अगर आपने समझ ली तो सब कुछ, सारे आंसर दे सकते हो आप, तमाम आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। नहीं कहता एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं, अभी तो बताया भाई, 2/3 को, 2/3 को आप इंटीजर ही नहीं बना सकते, और इंटीजर नहीं बनाओगे तो भैया होल नंबर तो उसके उसका लड़का ही तो है भाई, इंटीजर के बच्चे ही तो हैं ये सब, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर, ये सब इंटीजर्स की तो औलादे हैं, है ना, तो इसको समझो, ठीक है। चलो जी, अब बच्चे क्या पढ़ेंगे सुनो, ये हो गया, है ना। अच्छा अब एक बात सुनो, कुछ छोटी मोटी किताबी बातें रटेंगे, ठीक है, चलो जी। तो क्या है,
किताबी बातें उसको देखते हैं, इसको रब करता हूं मैं पहले, आप इसको आराम से नोट कर लो। ऐसा बता दिया कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं, ठीक है? नहीं, अच्छा सुनो, इसके बाद आप सिखाएंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज रियल नंबर्स। तो देखो, इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सिखा देंगे, आता भी है, सिखा क्या देंगे, सबको आता है, ये इंटीजर्स तो रिप्रेजेंट सबको करने आते हैं ना, पहले सीख लिया। रियल नंबर्स में ना रैशनल और इरेशनल को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना, ठीक है, ये एक टास्क होता है। तो इसके बाद हम क्या सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल को आगे पढ़ेंगे आगे फर्दर एक्सरसाइज में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो हेडिंग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना? तो ये अपनी हेडिंग है, ठीक। तो चलो जी स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने अभी रियल नंबर्स में तीन कैटेगरी पढ़ी है ना, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, और हम तीनों को बेसिकली, इंटीजर्स भी बाद में हमने दिखा दिया था कि रैशनल नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली दो ही तरह के नंबर्स बच जाते हैं फिर, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो क्योंकि हमने आपको बोला है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की तरह से हम सारे इंटीजर्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक, ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रैशनल नंबर। तो सबसे पहले तो इंटीजर्स को ही नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना देख लें। तो नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है ना, इस पर यहाँ पे जीरो, ठीक है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर यूनिट लेके और यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हम नंबर्स लेते चलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये -1 -2। तो ये सब चीज़ें तो आपको आती हैं, ठीक है, तो ये तो आपको आता है ना भैया। चलो जी, अब रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। रैशनल नंबर में हमने एक नंबर लिया, लेट्स से 5/4, तो ये रैशनल नंबर है, हमें इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करोगे आप, इसको इसका जो होल पार्ट है वो अलग करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट अलग करेंगे। कैसे करते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 एंड वी गेट 1, सो वी गेट 1 whole 1/4। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये आपका जीरो हो गया, लेट्स से जीरो में आपको ये पता है कि 5/4 क्या है, 5/4 रैशनल नंबर में बेसिकली क्या है, रैशनल नंबर में आपके पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन पार्ट, है ना, ये फ्रैक्शन पार्ट है और ये इंटीग्रल पार्ट है। क्या है ये, इंटीग्रल पार्ट है, तो ये फ्रैक्शन प्लस इंटीग्रल, ठीक है ना? तो इंटीग्रल पार्ट में एक, तो इसका मतलब हमें क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 1 + 1/4 है, ये 1 + 1/4 है, 1 + 1/4। तो बच्चे क्या करेंगे, हमने यहां पे 1 2 3 4 ये मार्क किया है ना। सुनो, इधर अपना वही उतनी डिस्टेंस पे -1 -2 -3। तो अब हमें क्या है कि हमें 1 + 1/4 आगे बढ़ना है। तो 1 तक तो यहां आ गया ना। अब 1/4 कैसे आएगा, तो सुनो, अगली यूनिट के हम लोग 4 हिस्से करेंगे, अगली यूनिट के हम लोग 4 हिस्से करेंगे और हमें इन 4 हिस्सों में क्या चाहिए, 1/4 हिस्सा चाहिए, यानी कि 1 हिस्सा चाहिए, यानी कि दिस इज व्हाट योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ये है वो पॉइंट, मतलब समझो, एक बार फिर से बताता हूं बच्चे, 5/4 को 1 whole 1/4 लिखा, इसका मतलब 1 + 1/4 लिखेंगे, तो 1 पार्ट तो पूरा है ही और अगले यूनिट से आपको 4 हिस्से करने हैं और जितना आपके न्यूमरेटर में है वो हिस्सा आपको ले लेना है। तो हमने 4 हिस्से करके क्या करा, 1 हिस्सा ले लिया, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट 5/4 ऑन द नंबर लाइन।
That means this is what? This is what? This is simply, this is 5 by 4. तो ऐसे आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक मैंने किया है, ठीक है ना, एक आप करेंगे। कैसे करेंगे? देखो जी, मैं आपको बताता हूं, 2 प्लस 2 बाई 4, ठीक है, इसको लिखा मैंने 4 टू 8 प्लस 2, 10 बाई 4। तो मैंने आपको कह दिया बच्चे 10 बाई 4 आप, या फिर हम डिनोमिनेटर कुछ और ले लेते हैं। मैं कह देता हूं 2 प्लस 2 बाई 5, तो 5 टू 10 प्लस 12 बाई 5। तो आपको क्या करना है, आपका काम है 12 बाई 5 को लोकेट करना। तो लोकेट 12 बाई 5 ऑन द नंबर लाइन, करो इसको आप सब अटेम्प्ट करेंगे, है ना। खाली मत बैठा करो मेरी वीडियो, है ना। जब भी सीबीएसई क्लास वीडियोस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वी प्योरली अपलोड एजुकेशनल करिकुलम वीडियोस, ठीक है। तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होनी चाहिए, ठीक है ना। वो तो जब भी हम जो भी कहेंगे वो आप उठा के रखोगे। तो एनसीईआरटी प्लस कॉपी पेन तो होना ही होना चाहिए, क्वेश्चन करो ये अटेम्प्ट। और जिनसे नहीं हो रहा है या नहीं होने वाला है वो देखेंगे। देखो बच्चे, 12 बाई 5 को हमने क्या करा, फिर से डिवाइड करा, तो हमने देखा ये 2 प्लस 2 बाई 5 है। तो इसका मतलब यहां से दो पार्ट तो हम पूरे लेंगे, दो पार्ट तक तो पूरे लेंगे। अगला जो पार्ट है यानी कि फ्रैक्शन पार्ट जो है, इसमें हम क्या करेंगे, अगली यूनिट के पांच हिस्से करेंगे। अगली यूनिट के हमने पांच हिस्से करे, है ना, तो ज्यादा कर दिए मैंने। देखो जी, अगली यूनिट के हमने पांच हिस्से करे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगली यूनिट के हमने पांच हिस्से करे, और इसके बाद जो है हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पांच हिस्से में से हमें कितने हिस्से चाहिए, दो हिस्से चाहिए। तो हमने टू के बाद ये पांच हिस्सों में से दो हिस्से ले लिए, यानी कि ये। सो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, 12 बाई 5, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। इसी में अगर माइनस हो जाता तो क्या होता, माइनस हो जाता तो क्या होता, भैया ये चीज आपने इधर करी फिर उधर कर दे लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो करते हैं माइनस पे एक दो नंबर्स करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा है कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन सीखा है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमें ये बताइए कि इसके पांच इक्वल पार्ट कैसे करें, ठीक है ना, इसके पांच इक्वल पार्ट कैसे करें। तो बच्चे एक बात सुनो, आपको ग्राफ पेपर मिलता है, ठीक है ना, आपको एक ग्राफ पेपर में अगर आप देखें तो एक यूनिट में 10 बॉक्स मिलते हैं आपको, ठीक है ना। उसके हिसाब से 10 इक्वल बॉक्सेस मिलते हैं, मतलब 10 इक्वल आपको एक तरह से माइनर यूनिट्स मिल जाएंगी। उसके हिसाब से आप देख ले, अगर आपको पांच करना है तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक को छोड़ के एक पे मार्क करेंगे तो वही आपकी पांच यूनिट हो गई। अगर आपको बेसिकली तीन यूनिट चाहिए तो आप 3.3 करके, है ना, लाइक 10 डिवाइडेड बाई 3, 3.3 ऐसे करके आप मार्क कर लें। आगे हम कंस्ट्रक्शन में सिखाते हैं, बट वो आगे सिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर नाउ, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। तो अब करते हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स, ये दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, हमें इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स देखेंगे, ये जीरो, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स इधर की तरफ और इधर की तरफ नेगेटिव, है ना, मतलब नेगेटिव नंबर्स उधर पॉजिटिव। तो माइनस 5 बाई 4, पहला आपका काम क्या रहेगा, पहला आपका जो काम रहेगा वो इसका इंटीग्रल पार्ट अलग करना है और फ्रैक्शन पार्ट अलग करना है ना, विदाउट दैट यू कैन नॉट डू दिस। तो अगर आप देखें तो -5/4, है ना, हिंदी मीडियम में बटे बोलते हैं ना, तो -5/4 इसको कैसे लिखेंगे आप देखो ध्यान से, -1/-1/4, ठीक है ना। तो -1/-1/4, और वॉट यू कैन डू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल क्या करो, माइनस साइन को अभी फिलहाल ड्रॉप कर दो, माइनस साइन को फिलहाल बेटा क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। तो माइनस साइन को जब आप ड्रॉप कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1/4 मिलेगा, 1+1/4, तो यानी कि -1+1/4 एंड यू विल गेट -1/-1/4, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे एक चीज, है ना, समेशन सीख लो, डायरेक्शन सेंस, है ना। ये आपका लेट्स से -1 बैठ गया,
अब माइनस में आप माइनस ही ऐड कर रहे हो तो आगे बढ़ोगे पीछे जाओगे, डेफिनेटली इधर जाओगे भाई। माइनस में वन में माइनस वन ऐड करोगे तो माइनस टू आएगा, वो इधर आएगा या इधर आएगा? इधर आएगा ना। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि माइनस वन में अगर माइनस वन बाई फोर हो रहा है बच्चे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन में माइनस वन बाई फोर, तो यानी कि इधर को चलना है, यानी कि इधर की तरफ चलना है, ठीक है ना। और अगर ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो आप सिंपल क्या करो, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके चलो और आप ये सोचो कि ये पॉजिटिव साइड ही है, और आप ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि भैया वन तक तो पहुंच गए, ठीक है ना भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये सब चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, हालांकि आपको कंफ्यूजन दूर करके आपको समझना है कि आप कर क्या रहे हैं। हमने कहा आपको माइनस में माइनस ऐड करेंगे तो और इधर की तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। बट अगर ये चीज मान लो अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो आपने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, फिलहाल आपने इसको हटा दिया और इधर साइड से भी नेगेटिव हटा दिया आपने। अब आप कह रहे हैं वन प्लस वन बाई फोर, अगेन क्वेश्चन क्या हो गया, सेम हो गया, बट आप इधर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको अल्टीमेटली फाइनली नेगेटिव पुट करना है। तो वन प्लस वन बाई फोर, तो यानी कि यहां के आपने चार हिस्से करे और आपको एक के साथ इन चार में से एक हिस्सा और चाहिए, तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, फाइव बाई फोर। अब आप नेगेटिव पुट कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चे। और अगर आप शुरू से ही आप ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो भी मैंने आपको बता दिया कि माइनस वन तक आप आ गए थे, माइनस वन बाई फोर और ऐड होना था तो ये थोड़ा और आ गया था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट सुनो एक बात, अगर मैं आपको ये कह दूं माइनस टेन अपॉन एट, इसको लोकेट करो तो कर दोगे? देखो ना, माइनस टेन अपॉन एट बेसिकली कुछ नहीं है, माइनस फाइव अपॉन फोर ही है। तो होता क्या है कि हम रैशनल नंबर्स को उनके इक्वी मल्टीपल्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं, तो इस तरह के रैशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो जैसे टू से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, ऐसे थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ सकता है, थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। लेकिन सिंपलेस्ट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो जो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि फाइव और फोर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां तो 10 और 8 के बीच में 2 कॉमन फैक्टर था, बिटवीन 10 एंड 8 2 वाज कॉमन फैक्टर, है ना, यही तो कॉमन फैक्टर है ना, 2 वाज नहीं, 2 है, 2 इज द कॉमन फैक्टर। माइनस 15 अपॉन 12 के बीच में क्या है, एक तरह से देखें 15 और 12 में कितना है, 3 इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, 3 इज द कॉमन फैक्टर। 5 और 4 के बीच में अगर हम देखें तो बेसिकली नो कॉमन फैक्टर, क्या कहते हैं, नो कॉमन फैक्टर। और ऐसे दो नंबर जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो 5 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, तो आपस में एक प्राइम है। अभी हम प्राइम और कंपोजिट एक बार फिर बता देंगे आपको, ठीक है ना, पहले आपने हालांकि प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो बच्चे ये हमने लोकेट करना सिखाया, अब आपका काम क्या है कि आप इसको लोकेट करो, माइनस थ्री बाई फोर को लोकेट करो, आप फटाफट करो। चलो जी देखते हैं, माइनस थ्री बाई फोर। अब माइनस थ्री बाई फोर कैसे करोगे, अगेन प्रॉब्लम, ठीक है ना, कैसे करें सर, कैसे करें इसको लोकेट, कैसे करें, ठीक है ना। आप एक बात सुनो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसको ना हम दो टुकड़ों में लिख पा रहे, दो टुकड़ों में नहीं लिख पा रहे। तो बच्चे एक बात सुनो ना, ये बेसिकली है क्या, इसमें इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, इसमें आप इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही है, इंटीग्रल आपको मिलेगा ही नहीं। इंटीजर के तौर पे यहां पे जीरो है, बेसिकली यहां पे क्या है, इंटीजर के तौर पे जीरो है, जीरो है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें देखा जाए तो बेसिकली माइनस थ्री बाई फोर लोकेट करना है, है ना। तो यानी कि या तो इसको जीरो प्लस थ्री बाई फोर की कैटेगरी में देख लो। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइड पे माइनस थ्री बाई फोर कैसे लोकेट करेंगे, तो हमने क्या करना है, जीरो प्लस यानी कि जीरो तो इंटीग्रल पार्ट हो गया, प्लस आगे बढ़ना है, इधर नेगेटिव साइड में आगे बढ़ना है,
3/4 यानी कि चार हिस्से करेंगे, और चार में से हमें क्या चाहिए, तीन हिस्से चाहिए, ठीक है ना। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका -3/4 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली 50% आपका क्लियर हो गया होगा, एंड रेस्ट ऑफ द 50% जब आप क्वेश्चंस करोगे, है ना, बिकॉज मैथ्स इज नॉट लाइक आप वीडियो देख लो और आपको मैथ्स आ जाएगी, इट्स लाइक जस्ट आइडिया, है ना, वीडियो में सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा, एक्चुअल मैथमेटिक्स आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो -3/4 हमने लोकेट कर दिया। अब सुनो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे पास टॉपिक है इसी एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में, वो है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर होंगे, उनके बीच में हमें 1, 2, 4, 6 कुछ रैशनल नंबर्स निकालने होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हम कहें ये एक रैशनल नंबर है, लेट्स से ये कोई रैशनल नंबर है, एंड वी आर सेइंग दैट इज लेट्स से 3, क्योंकि 3 भी एक रैशनल नंबर है ना, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 3/1, और 4 एक रैशनल नंबर है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकाल दो, दो रैशनल नंबर निकाल दो, तीन रैशनल नंबर निकाल दो, चार निकाल दो। अल्टीमेटली मेरा पूछना यह है कि कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो हमें 1, 2, 4, 5, 6 ये सब बताने हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक बात यहां से हमें, मैं आपको बता देता हूं आज, और आप ध्यान रखेंगे, है ना, ताम्र ध्यान रखें ना रखें, बट क्लास 12 तक तो ध्यान रखेंगे ना, वहां तक तो हमारा काम आना ही आना है। तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बिटवीन एनी टू डिफरेंट अलग अलग होने चाहिए, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स, किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं बच्चे, ठीक है ना। आपको क्या बात कर रहे हो सर, एग्जैक्टली 1 और 1.1 के बीच में अगर आप बात कर रहे हैं ना नंबर्स की, तो 1 और 1.1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स, इनफाइनाइट समझते हो ना, अनगिनत, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो ये बात ध्यान रखना, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू फाइंडिंग आउट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो यार वीडियो को मैं कोशिश करता हूं एग्जॉस्टिव बनाने की, कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, बट कुछ चीजें रह जाती हैं ना, कुछ चीजें रह ही जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो कुछ चीजें रह जाती हैं कितनी भी कोशिश कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कहे कि सर 1.25 को आप रैशनल नंबर लाइन पे लोकेट करके दिखा दो, तो ये आपने सर बताया नहीं, बेटे 1.25 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है ना, तो इसका मतलब इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिकली ये 5/4 ही आएगा, और जब 5/4 आएगा तो 5/4 आपको प्रेजेंटेशन दिखा रखा है। तो इसलिए कुछ चीजें रह जाती है, तो इसलिए उसके बारे में टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर वो यहां नहीं होंगी तो कहां होंगी, क्वेश्चंस में हो जाएंगी, एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एग्जांपल के क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब हो जाएगी, तो डोंट वरी, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फाइंडिंग आउट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आप बताओ, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आप बताओ। तो हम आपको इसमें तीन मेथड सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो इच्छा करे आप वो वाला मेथड लगा देना, हालांकि हर मेथड की एक अपनी अपनी खासियत है कि कौन सा कब मेथड लगाना है। तो 1 एंड 2 से
पहला मेथड, ये मेथड क्या है, मिड वैल्यू वाला मेथड है। मिड वैल्यू इसमें क्या होता है, हम सक्सेसिवली मिड वैल्यू निकालते रहते हैं। जैसे वन और टू के बीच में एक रैशनल नंबर अगर हमें डालना हो तो वन प्लस टू बाई टू दैट मीन्स थ्री बाई टू, इनके बीच का एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि वन और टू के बीच में अभी क्या है, थ्री बाई टू एक रैशनल नंबर आ गया। अब हमें तो चार और चाहिए, तो चार और चाहिए तो कहता है कि अब वन और थ्री बाई टू के बीच का निकाल दो ऐसे। यानी कि मेथड क्या है, दो नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है एक बीच में, तो उस दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू, उससे एक बीच का रैशनल नंबर आ जाता है। तो वन प्लस थ्री बाई टू अपॉन टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव बाई फोर। तो ये फाइव बाई फोर हो गया, ठीक है ना। ये फाइव बाई फोर हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा है, बार बार आ जा रहा है। अब थ्री बाई टू और टू के बीच में देख लेते हैं, ठीक है, थ्री बाई टू और टू के बीच में देख लेते हैं। तो थ्री बाई टू और टू के बीच में फॉर्मूला लगाओ ना, आर प्लस एस बाई टू, तो थ्री बाई टू प्लस टू बाई टू, समझ रहे हो। इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको इसको ऐड किया और डिवाइड बाई टू करा, तो टू टू जब फोर थ्री सेवन, सेवन बाई फोर, तो यहां पर सेवन बाई फोर आ गया, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं, तीन ही तो हुए अभी, अभी तो दो और चाहिए, तो दो और चाहिए तो क्या कर सकते हो, सुनो, इसके और इसके बीच में निकाल दो, वन प्लस फाइव बाई फोर बाई टू, तो कितना हो गया, नाइन बाई एट, ठीक है। फोर वन जब फोर, फाइव फोर नाइन, नाइन बाई एट। अब सेवन बाई फोर और टू के बीच में निकाल दो, कितना हो जाएगा, फिफ्टीन बाई एट। तो बेटे हमने क्या कर दिया, मिड वैल्यू मेथड से हमने पांच रैशनल नंबर्स निकाल दिया। तो जहां पे दो तीन रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं वहां पे दिस इज द वेरी गुड मेथड, वट एवर द रैशनल नंबर्स गिवन, आपको देखना ही नहीं है। लेकिन ये मेथड पांच रैशनल नंबर तक तो ठीक है, पांच तक तो ठीक है, इवन मतलब मैं कहूंगा कि दो तीन तक ठीक है। इसके अलावा जब आपसे आठ पूछ लें, दस पूछ लें, तो ये बहुत लेंथी मेथड हो गया, तो हमें और मेथड सीखने होंगे रैशनल नंबर निकालने के। तो होपफुली आपके आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये मेथड क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन आप खुद करके देखें, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से आप मुझे थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव के बीच में पांच रैशनल नंबर ला के दिखाएं, ठीक है ना, पांच रैशनल नंबर करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग फिर आपको बताएंगे क्या क्या आंसर्स हैं, फिर आप लोग मैच करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अगर आप लोग ऐसे कर रहे थे तो देखो, मैं तो तीन ही निकाल पाया, उसके बाद मैं थक गया, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत टाइम लगा देगा, ठीक है ना। कुछ लोगों तो मेरे ख्याल से इस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ही मिस्टेक मतलब प्रॉब्लम हो रही हुई। देखो सिंपल बेटा, एक बार बताओ, पांच और पांच एलसीएम लिया आपने, है ना, एलसीएम फाइव आया, ठीक है। तो फोर थ्री सेवन अपॉन फाइव, सेवन अपॉन फाइव, बेसिकली ये एक्सप्रेशन ऐसे था, सेवन अपॉन फाइव अपॉन टू। तो मैं आपको कुछ बेसिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखा देता हूँ आपको, अगर आप भूल गए हो तो। ए अपॉन बी अपॉन सी है तो ए अपॉन बी इंटू सी, ठीक है। और अगर कभी आपके पास मैं आप दिखा देता हूँ आपको, ए अपॉन बी इंटू सी, और कभी आपके पास ए अपॉन बी अपॉन सी हो, ठीक है ना, तो ये सी ऊपर चला जाता है और इसको हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी, ठीक है। कभी आपके पास ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो तो आपके पास क्या होता है, ए अपॉन बी इंटू सी, है ना, ये तो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ ए इंटू डी। तो ये आप ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा कुछ बच्चे को मैं बता दूँ, ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हो, बट ए अपॉन बी प्लस सी को आप ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ध्यान रखना। तो बात कर रहे थे अगर हम इस तरीके से करें तो बहुत लंबा बैठ रहा था, तो इसलिए हमने मेथड टू सीखना है, तो मेथड टू सीखते हैं। मेथड टू किस बात का, दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है बच्चों, रैशनल नंबर निकालना है। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर कौन कौन से, थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव। तो इसके बीच में हमें
कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे? 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे। तो मेथड 2 कब अप्लाई होता है, ठीक है ना, स्पेशली व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, ये तब अप्लाई होता है ये वाला मेथड। अब सुनो, करना क्या है, सबसे पहले तो डिटरमाइन करो n की वैल्यू। n क्या है? n वो नंबर है जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको बीच में निकालने हैं, ठीक है ना। n वो नंबर है जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो होगा क्या, आपको करना क्या है, अब जैसे इस केस की अगर हम बात करें, तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे? 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे। तो ये 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो n क्या है? n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो हमें निकालने हैं। फिर आपको करना क्या है, आपको n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर में भी और n प्लस 1 से डिनोमिनेटर में भी, ठीक है ना, दोनों नंबर्स की। ये जो r रैशनल नंबर दे रखा है वो भी, और जो s रैशनल नंबर दे रखा है वो भी। तो इसका मतलब क्या है, सुनो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ऐसा काम करना है तो हमने इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो अप्लाई करके देखते हैं। उसने कहा जो r ये वाला नंबर है और s ये वाला नंबर है, तो कह रहा है कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 की मल्टीप्लाई करो। n प्लस 1 कितना बैठेगा भाई? जब n 5 है तो n प्लस 1 6 बैठेगा, तो 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 और 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6, ठीक है। तो यहां से आ गया आपके पास 3 6 18 अपॉन 30 और 4 6 24 अपॉन 30। बस अब स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, आपको न्यूमरेटर में एक एक ऐड करते चले जाओ, कैसे देखो, जैसे 18/30 है, 19/30 लिख दो, 20/30 लिख दो, ठीक है, 21/30 लिख दो, 22/30 लिख दो, 23/30 लिख दो। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, 5 रैशनल नंबर्स हैं, किस किसके बीच में 3/5 और 4/5। अगर आप देखो तो ये क्या है बेसिकली, 6 3 18, 6 5 30, तो 3/5 ही तो है ये। और आप इसे देखो तो ये क्या है, ये 4/5 ही तो है भाई, ठीक है ना। तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपने क्या लिख दिया, 5 रैशनल नंबर्स आपने लिखा दिया। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में कैसे लिखें? तो बच्चे सुनो, ये ना आप मेरे को चारों साल पूछोगे, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो मैं बच्चों को ना ये नहीं सिखाता एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में लिखना इज बेसिकली योर कॉमन सेंस। क्या करोगे? अच्छा आप खुद सोचो कि भैया हमने वी लिखोगे, वी हैव टू इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स, है ना, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आप मेथड लगाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लगाओगे? मेथड लगाओगे। तो स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया। उसके बाद आपको कि भैया ये 5 रैशनल नंबर्स है। और ध्यान रहे, मैथ्स की आपको बता देता हूं, प्रेजेंटेशन के ठीक है कि डायरेक्ट ऐसे लिखना भी ठीक नहीं है, बट अगर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं तो बहुत रेयर टीचर्स हैं जो इस चीज को ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हालांकि लेकिन मैं, क्योंकि देश में सभी बच्चे देख रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें चीजों को सही से लिखने की, प्रेजेंट करने की, ठीक है ना। तो चीजों को आप सही से प्रेजेंट करें, ठीक है, चीजों को आप सही से प्रेजेंट करें। तो इसको अगर हम सही से प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वी हैव टू इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, है ना। एंड लाइक व्हाट वी विल डू, द स्टेप 1 आप लिखेंगे, नहीं स्टेप 1 आप लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग, है ना, बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स, है ना, वी हैव गॉट दिस 18/30 एंड 24/30 एंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आप ही दे सकते, ठीक है। तो आप और कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में, उसके लिए आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपकी स्कूल कॉपी जो है उसके सॉल्यूशंस भी आपको फॉलो करते हैं। मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा, आपको मैथ्स समझाने का काम है मेरा, रादर देन आपको पेपर कैसे, मतलब क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है साथ सज्जा के साथ,
उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको सिखा दिया। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच में मैं आपसे कहता हूं, 3/5 और 4/5 के बीच में मेरे को 10 रैशनल नंबर चाहिए, लिख के दिखाओ इसी मेथड को अप्लाई करके 10 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ। तो इस मेथड में अब हमने 10 रैशनल नंबर डालने थे, तो n की वैल्यू कितनी हुई बच्चे, 10 हुई, 10 n की वैल्यू 10 हुई, तो n प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 11 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो क्या हो गया यहां से 33/55 और ये कितना हो गया 44/55। अब आपको 10 रैशनल नंबर डालने, डालो ना यार कैसे, 34 बट 34/55, फिर 34 में एक और ऐड कर दो 35/55 और सो ऑन, कहां तक 43/55 तक आप लिख दो। तो इट्स वेरी इजी, दिस मेथड मेक्स दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजी, है ना। तो अब स्टूडेंट एक तीसरा मेथड है उसको भी सीखेंगे, हालांकि उससे क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, बट वो हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इन दी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे वो मेथड काम आएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब स्टूडेंट्स मेथड 3 पढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिए मैंने आर एस अग्रवाल से, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा केस है दोनों। तो हमें इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स चाहिए और इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 100 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है ना। 100 लिखेंगे तो है नहीं, है ना, डॉट 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 ही करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन बात है कैसे निकालेंगे। तो कहने का सर इसमें तो मेथड 2 लग जाएगा, है ना, मेथड 1 तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ही लेंथी मेथड है, तो मेथड 2 लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। आपने कहा था जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो मेथड 2 लगा दो, आपने ऐसे ही बोला था। हाँ मैंने ऐसे ही बोला था, बट कैसे करोगे तो सुनो, जब आपने इसमें मेथड 2 लगाया बच्चे, तो 10 रैशनल नंबर n की वैल्यू 10, तो डेफिनेटली n प्लस 1 की वैल्यू 11, आप क्या करोगे, आप 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे और ये क्वेश्चन हो गया टफ, ये क्वेश्चन हो गया टफ। सोचो सोचो, हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको क्या बता रखा है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, जरूरी नहीं है 5, 6, 10 ही इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब हमसे 10 पूछे हैं, अगर हम दो फालतू निकाल दे तो कोई दिक्कत है, दो फालतू निकाल दे कोई दिक्कत है, लिखेंगे भले ही हम 10 बट अगर निकाल दें हम दो फालतू कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये 11 11 दिक्कत कर रहा है, अगर n 10 की जगह n 12 होता तो n प्लस 1 13 होता, और अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई और 13 से डिवाइड कर दूं तो अब मेरा काम हो गया आसान, अब मेरा काम आसान हो गया, यानी कि मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया भैया 5/13 एंड 6/13, ठीक है। कहने लगा सर आपका पोपट हो गया, क्यों सर, ये तो वापस -5/13 और 6/13 आ गया, तो कैसे करेंगे। मैं मानता हूं बच्चों पोपट हो गया, फंस गया, मैं खुद ही फंस गया अपनी बातों में। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, अभी आते हैं वापस इस क्वेश्चन में, यानी कि अब इस क्वेश्चन में मेथड 3 लगेगा, ठीक है। तो अभी करते हैं, ठीक है अभी करते हैं। अब क्या करें स्टूडेंट्स, सुनो इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहां पे हमारी टेक्निक काम आती है या नहीं आती है। तो यहां पे 100 रैशनल नंबर चाहिए बच्चे, 100 रैशनल नंबर चाहिए, तो हमने कहा आपको कि n की वैल्यू 100 और n प्लस 1 की वैल्यू 101। अब सुनो एक बार सुनो, किसी बच्चे ने 101 से मल्टीप्लाई करा, किसी ने 102 से करा, हम जो भी कर रहे हैं ना, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 101 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी दूसरे बच्चे ने 102/102 ऐसे करा, अरे तुमने भी 1 से मल्टीप्लाई करा और उसने भी 1 से मल्टीप्लाई करा, गलत किसी का नहीं है। लेकिन जब हमने ये काम कर दिया, जब हमने बच्चे ये काम कर दिया 101 से मल्टीप्लाई 101 से मल्टीप्लाई, हमें दिखा कि प्रॉब्लम भाई साहब डिफिकल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ कट तो रहा ही नहीं है, 11 की 101 में मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा बन जाएगा, तो क्या करें सर क्या करें। मैंने आपको क्या कहा सुनो, फिर से बताता हूं, 100 रैशनल नंबर चाहिए, अगर अगर हम 109 निकाल दें तो कोई दिक्कत है, अरे 100 बता देंगे भाई, 109 निकाल दे रहे हैं, पैसे थोड़ी लग रहे हैं,
तो हमने क्या करा, हमने n को 109 लेके n प्लस 1 को 110 कर दिया। अब हमने जब 110 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो बच्चे क्या हो गया बता दो ना, दो रैशनल नंबर्स हमारे पास कैसे आ गए, -40/110 और 70/110। नो सर, इसमें से जीरो से जीरो काट दो, तुमने बेवकूफ समझ रखा है, बार बार थोड़ी करूंगा, वहां तो भैया वापस वही आ गया था, फिर इसे काट दूंगा तो वापस यही आ जाएगा, वापस -4/11 और 7/11 है, ऐसा नहीं करूंगा मैं, मेरे को तो पता है -40 और 70। अब देखो नंबर्स कैसे लिखता हूं मैं 100, देखो बेटे यहां पे थोड़ी जगह बना देता हूं, -40/110, देखो क्या करूंगा, इसमें एक ऐड करूंगा, न्यूमरेटर में एक ऐड करता चलूंगा, -39/110, -38/110 और ऐसे करते करते -1/110, फिर 0/110 आएगा यानी कि 0, फिर 1/110 और यहां से कहां तक लिखूंगा, 100 चाहिए 109 नहीं चाहिए, तो यहां पे 60/110 तक लिखूंगा, हो गया मेरा काम, लिख दिया मैंने 100 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में कि हमें जितने रैशनल नंबर्स चाहिए हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थोड़े ज्यादा निकाल दे रहे हैं और फिर उसके बाद लिख दे रहे हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना जितना बोला है उतने दिखाने हैं, है ना। तो अब स्टूडेंट उस क्वेश्चन में हम फंस गए थे, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेथड थ्री बताते हैं भैया आपको, मेथड थ्री। अब स्टूडेंट मेथड थ्री को आप देखते हैं, तो हमें इसके बीच में 10 रैशनल नंबर डालने थे, हमने मेथड 1 सीखा, मेथड 2 सीखा और मेथड 2 को अप्लाई करते समय हमें यहां पे प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। हमने कहा भाई थोड़े से ज्यादा निकाल लो तो भी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। मेथड 2 में भी हमने दो वेरिएशन बताए ना आपको कि भैया कभी कभार प्रॉब्लम को इजी करने के लिए थोड़े ज्यादा भी रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, है ना, उसमें से जितने पूछे गए उतने बता देंगे। बट ये फिर भी फंस रहा है, ये हर केस में फंस रहा है, तो उसको देखते हैं कैसा। तो कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं ऐसे कि s ग्रेटर देन r है, अब ये दोनों इनमें से कौन बड़ा है, अरे सोचो यार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा ना, है ना। नंबर 9 पे भैया जो नंबर इधर आएगा वो बड़ा और जो इधर बैठेगा वो छोटा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दो नंबर है तो जो राइट वाला नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो एक बात सुनो, अब -5/13 और 6/13 में लेट्स से ये हमारा हो गया r एंड ये हो गया s, तो कह रहा है कि s इज ग्रेटर देन r, तो कह रहा है एक टर्म निकालो d, एंड d इज व्हाट, d इज s माइनस r अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो हमें निकालने हैं। तो यहां पे हमने d निकाल दी, कैसे, क्या क्या सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, इस बात का जो रीजन है वो हम आपको देंगे क्लास 10th में, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हम पढ़ाएंगे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल दिया n प्लस 1 दैट इज 11, तो कितना हो गया 6/5 11/13/11 एंड वी गॉट 1/13। नाउ सी, जैसे ही आपके पास d आ जाए, अब आपको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, तो भैया ये r और ये s और इसके बीच में 10 रैशनल नंबर कैसे लिखोगे, पहला रैशनल नंबर r प्लस d, दूसरा r प्लस 2d, तीसरा r प्लस 3d, है ना, यानी कि r प्लस d में d ऐड करा तो 2d आ गया, उसमें फिर d ऐड करा तो r प्लस 3d आ गया, फिर d ऐड करेंगे तो r प्लस 4d और ऐसे करके हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने भी हमें 10 रैशनल नंबर्स हैं हम लोग d को ऐड करते करते 10 बार ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हम 10 बार ऐड करेंगे, तो अब देखेंगे बच्चे, अब हमें यहां पे 10 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो यानी कि r प्लस d करेंगे तो क्या होगा, r क्या है अपना -5/13 + 1/13, तो कितना हो गया -4/13, फिर r प्लस 2d, भैया ये r प्लस d था ना, अब ये क्या है, ये r प्लस 2d है, r प्लस 2d में हम क्या करेंगे, r प्लस d में एक बार और d ऐड कर देंगे, तो ये हो गया, सॉरी ये r प्लस d में, देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, एक मिनट में जरा कपड़ा उठा लो, ओके देखो r प्लस d तो ये निकाल देता आपने, r प्लस 2d निकालना है आपको, r प्लस 2d कैसे निकालोगे, भैया जो r प्लस d है उसी टर्म में d एक बार और ऐड कर दोगे, तो r प्लस d तो -4/13 था, प्लस d एक बार और ऐड करोगे 1/13, तो कितना हो गया -3/13। तो अगर आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया तो अब ये क्या हो रहा है, -5/13 के बाद -4/13 आया,
फिर 3/13 आया माइनस के, फिर -2/13 आएगा, फिर -1/13 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3/13, ठीक है ना, 2/13, 3/13, 4/13, ठीक है, और ऐसे करके सोचो 0, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 और 5/13, बस, क्योंकि 6/13 तो वो खुद ही है, तो ये नंबर्स आपने लिख दिए। अब कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिया आपने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट जी, और इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन करेंगे हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जांपलर में। तो अब चलते हैं बच्चे एक्सरसाइज पे, हालांकि एक्सरसाइज तो मैंने आई थिंक सारी करा दी, बट फिर भी मैं आपको एक तरह से करा दूंगा, है ना, कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा चाहिए होता है सॉल्यूशन से ना।